हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा में पिछले एक हफ्ते से कोरोना का ग्राफ घटा है। पॉजिटिव मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन पंचकुला में बढ़ते संक्रमित केस नई टेंशन भी दे रहे हैं। वहीं देश में अब 6.2 दिन में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं। पंचकुला में कोरोना दबे पांव पैर पसार रहा है। पंचकुला हरियाणा का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। अब तक यहां 14 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से आज ही 2 नए केस आए हैं। बड़ी बात यह है कि यहां एक प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि डॉक्टर ने कोविड-19 पॉजिटिव महिला के मामले में लापरवाही की। महिला 6 अप्रैल को बुखार और खांसी के लक्षणों के साथ डॉक्टर ऋषि नागपाल के प्राइवेट क्लिनिक पर इलाज करा रही थी, लेकिन इसकी सूचना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई, जिसके चलते कोरोना पीड़ित महिला के परिवार के अन्य लोग भी संक्रमित होते चले गए। साथ ही कालका के खुदा बख्श गाँव से एक और जमाती में कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। वहीं नू से भी 2 नए मामले सामने आए हैं, पर अच्छी बात यह है कि सूबे में कई संक्रमित केस तेजी से ठीक हो रहे हैं। अब तक 86 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। आज पलवल से 7, नू और यमुनानगर से 3-3, फरीदाबाद से 2, सिरसा से 2, करनाल से 2, जींद और चरखी दादरी से 1-1 संक्रमित केस ठीक हो गया। वहीं सिरसा अब कोरोना वायरस मुक्त जिला बन चुका है। यहां कुल 4 संक्रमित केस थे। फिर से कोरोना मुक्त हो गया? जी हाँ, आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो चौथा मरीज था कोरोना पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो गया है और आज उसको हम होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं रोड़ी में। जरूरी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हम निभा रहे हैं और फील्ड के अंदर हमारी 25 टीमें हैं, जो नॉन कोरोना टीमें कहते हैं जिनको, वो अभी जा रही हैं और हर नाके पे हमारी 14 टीमें हैं वो जा रही हैं डेली बेसिस पे और वो लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है और जांच कर रही है। इवन मंडियों के अंदर भी हमारी टीमें हैं, वहाँ पे आने जाने वालों को ये सब की जांच हो रही है और जो स्क्रीन के बाद में कोई डाउटफुल केस होता है उसके हम सैंपल भी ले रहे हैं। हरियाणा में आज कोरोना पॉजिटिव केस 135 हैं। सबसे ज्यादा 52 केस नू में है, फरीदाबाद में 20, पलवल में 19, गुरुग्राम में 15, पंचकूला में 14 केस, अम्बाला में 5, सोनीपत में 3, कैथल में 2, कुरुक्षेत्र में 2, हिसार में 1, जींद में 1 संक्रमित केस है। वहीं अब सोनीपत, रोहतक, सिरसा, करनाल, भिवानी, फतेहाबाद में 1 भी पॉजिटिव केस नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1076 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 32 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोरोना वायरस से देश में 452 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में कोरोना वायरस से अब तक 1766 केस ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब 6.2 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। कोरोना के मामलों में 40% की गिरावट दर्ज हुई है। 80% कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार अब राज्यों को 5,00,000 रैपिड किट दे रही है। नई टेस्टिंग किट से 30 मिनट में रिजल्ट आएंगे। वहीं अब गांवों में लॉकडाउन में फसलों की कटाई, जलापूर्ति और संचार की सेवाओं पर छूट की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करेंगे और हर रोज की तरह हरियाणा न्यूज की कोशिश यही है कि आपको देश और दुनिया के अलग अलग कोने से लगातार हो रहे जो अपडेट्स हैं, स्टडीज में जो एडवांसमेंट है, वो सब जानकारी आपको दे। सबसे पहले आपको अमेरिका लेकर चलते हैं, जहां यूएसए से डॉक्टर प्रभात सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सिन्हा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हाँ, शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा। आप जब परसों हमारे साथ जुड़े थे तो आप कह रहे थे कि आप लोग स्लाइवा टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। तब से अब तक क्या स्लाइवा टेस्ट आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है और उसके किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं? हाँ, स्लाइवा टेस्ट के रिजल्ट करीब करीब बराबर ही है जो पहले वाला टेस्ट जैसा है। खाली ये बहुत आसान टेस्ट है, क्योंकि इसमें
इसमें इसमें पूरा ऊपर तक स्वाब के लिए नहीं जाना पड़ता है, तो ये टेस्ट बहुत जल्दी हो जा रहा है, खाली सलाइबा का सैंपल ले करके और उसको भेज दीजिए। ठीक है, पहले वाले में सैंपल कलेक्शन ही एक टफ प्रोसेस था और वो अब आसान हो गया है। हाँ, और सैंपल बहुत सा फॉल्स नेगेटिव आ जाता था क्योंकि जो टेस्ट करने वाला जो है वो पूरा ऊपर तक नेजोफेरिंक्स में पूरा ऊपर तक नहीं जा पा रहा था। तो ये जो टेस्ट है इसमें क्या सलाइवा टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव के चांसेस कम हो गए हैं? हाँ, फॉल्स नेगेटिव के चांसेस बहुत कम हो गए हैं क्योंकि सैंपल बहुत अच्छा क्वालिटी का सैंपल हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं अभी। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, और क्या एडवांसमेंट अब तक यूएस में हम देख पाए हैं? कोरोना के खिलाफ लगातार एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं, लगातार क्योंकि ये नया वायरस है, बहुत कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड पे भी चल रहा होगा। क्या और एडवांसमेंट पिछले दो दिन में हम अचीव कर पाए हैं? अभी अभी एक गिलेट साइंस है, गिलेट साइंस इज ए लैब, गिलेट साइंस की एक दवाई है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर दवाई का बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है, तो आप तो क्या ये जो दवाई है वो लोगों को कोरोना होने से बचाता है या उससे आदमी लोग 6-7 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं। नहीं, जो कि बंदा बहुत सिक है हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, ये दवाई उसके लिए है, ये प्रिवेंशन के लिए नहीं है, इस पर ट्रीटमेंट के लिए है ये दवाई। ठीक है, जहां हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दिया जा रहा था उसकी जगह पे ये दवाई आप कह रहे हैं कि ये भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। नहीं, ये दवाई उसके लिए जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो बहुत माइल्ड केस के लिए था, ये दवाई उसके लिए जो कि वेंटिलेटर पर है, बहुत बीमार है, जिसको कि कोरोना निमोनिया है। ठीक, इसका नाम क्या बताया आपने, एक बार फिर से बताएंगे? रेमडेसिविर, आर ई एम डीई एस आई वी आई आर। देखिएगा गिलेट साइंस का स्टॉक आज 25% अप हो गया है। ओके, ठीक है, तो इससे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, 6-7 दिन में जो सीवियर केसेस हैं वो भी ठीक हो जा रहे हैं। हाँ, और अभी नया अपडेट आया एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट यस्टरडे अप्रूव हुआ है एबॉट लैब का। ये एंटीबॉडी टेस्ट से क्या फायदा होगा कि डॉक्टर से नाम सुन पा रहे हैं आपको, आप कंटिन्यू करिए। कि जो लोग को कोरोना हो गया है, जैसे कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक है, सो उसको कोरोना हो गया उसको पता भी नहीं है, बट उसका अगर एंटीबॉडी तो उसका हम लोग एंटीबॉडी निकाल करके, अगर उसका एंटीबॉडी पॉजिटिव है उसका मतलब कि वो आदमी इम्यून हो गया कोरोना से। सो अभी अमेरिका फिर से खोलने जा रहा है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट ओपनिंग ऑल द स्टेट, सो एंटीबॉडी टेस्ट उसमें फायदा करेगा कि जिसको एंटीबॉडी है वो लोग फ्रंट लाइन में जा करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का, क्योंकि उसका रिस्क अब कोरोना का बहुत कम है क्योंकि ही इज ऑलरेडी गॉट एक्सपोज टू कोरोना वायरस। ठीक है, ये एंटीबॉडीज भी दो तरह की होती हैं। एक एंटीबॉडी वो होती है जैसे चिकन पॉक्स में हमारे यहाँ होती है एंटीबॉडीज, जो जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो गया उसको बहुत कम चांस है कि उसको दोबारा होगा, लेकिन एचआईवी में जो एंटीबॉडीज होती है वो दोबारा आपको प्रिवेंट नहीं करती है, तो इसका एंटीबॉडी क्या पता चल पाया है?
हाँ नहीं, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट एजम्पशन नहीं है कि बिकॉज ये वायरस कोरोना वायरस है और मोस्ट लाइकली इसकी एंटीबॉडी प्रिवेंट करेगी कि नहीं करेगी इसका पता नहीं है, बट अभी हम लोग टेस्टिंग शुरू किए हैं एंड आफ्टर टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, जिसका एंटीबॉडी पॉजिटिव है उसका प्लाज्मा ले करके जो लोग बहुत सीख हैं हॉस्पिटल में उसको प्लाज्मा इंफ्यूज किया जाता है, तो उससे बहुत अच्छा आउटकम आता है, वो लोग बच जाते हैं क्योंकि एंटीबॉडी प्रिवेंट्स द पर्सन जिसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, तो जो बहुत बीमार है उसको ये एंटीबॉडी जिसका पॉजिटिव है उसका सीरम यूज। ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज टेस्ट के बाद जो ये जिनमें ये दिख जाए कि वो एंटीबॉडीज उनमें डेवलप हो गई है, उनको फिर काम पे भेजने के लिए सोचा जा रहा है। ऑल्दो ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये एंटीबॉडी एचआईवी वाली एंटीबॉडी की तरह काम करेगी या चिकन पॉक्स के एंटीबॉडीज की तरह काम करेगी। हाँ एकदम बिल्कुल ठीक बोला आपने, यप वही मैं यप। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये टेस्ट करना भी कि ये एंटीबॉडी किस तरह से बिहेव करेगी, क्या उस दिशा में भी काम चल रहा है, और कब तक हम उम्मीद करें कि इसके भी नतीजे सामने आए कि कोरोना में जो एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है वो हमेशा के लिए इम्यून कर रही है या चांसेस है कि उसको फिर से हो जाएगा। क्या एक्सपेरिमेंट्स के हम उम्मीद करें कि जल्दी ही नतीजे आ सकते हैं। वो तो कम से कम अभी एटलीस्ट 5-6 महीने लगेंगे, क्योंकि जो लोग को एंटीबॉडी हो गया है, जैसे मुझे कोरोना हुआ मुझे एंटीबॉडी हो गया, अब मैं जाके कोरोना पेशेंट से एक्सपोज होता हूँ और मुझे फिर से कोरोना नहीं होता है, इसका मतलब कि एंटीबॉडी इज प्रोटेक्टेड, सो वो थोड़ा टाइम लगेगा उस तरह के काम होने में, बट राइट नाउ द एंटीबॉडी टेस्ट इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जिसको एंटीबॉडी है उसका प्लाज्मा लेकर के और हम लोग इन्फ्यूज कर रहे हैं जो कि जो लोग बहुत बीमार हैं, तो ये बहुत लाइफ लाइफ सेविंग हो रहा है प्लाज्मा, ठीक है, जिसको ये कोरोना प्लाज्मा ट्रीटमेंट जो कोरोना है वो का पहले भी पॉजिटिव कई तरह प्लाज्मा की जिसको बोलते हैं। बीमारियों में इसका इलाज इसका इस्तेमाल होता रहा है, और अभी अगर कोरोना में कर रहे हैं तो ये सिर्फ सीवियर केसेस में कर रहे हैं वहां, या माइल्ड केसेस जो है उसमें भी कर रहे हैं। नहीं सिर्फ सीवियर केसेस में कर रहे हैं क्योंकि इसका अभी प्रोटोकॉल है मेयो क्लिनिक का एंड उसमें क्राइटेरिया है, क्योंकि ये अभी रिसर्च लेवल पर है, ये पूरा फुल फ्लेज्ड ट्रीटमेंट नहीं है, तो जिसको भी चाहिए उसको इनरोल करना पड़ता है रिसर्च में एंड वंस उसका सब क्राइटेरिया फिक्स होता है तब मेयो क्लिनिक अप्रूव करता है, सो माइट नॉट माइल्ड केसेज में, ओनली सीवियर केसेज में। ओनली सीवियर केसेस में। ठीक है डॉक्टर सिन्हा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ एमडी आयुर्वेद जुड़ गए हैं। डॉक्टर परमेश्वर बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने। सर एक बात बताइए कि हमने प्रधानमंत्री को ये कहते सुना था कि आयुष विभाग जो गाइडलाइंस जारी कर रहा है उसको हिंदुस्तान के लोगों को सुनना भी चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। एक तो गर्म पानी को लेकर उन्होंने कहा था। डॉक्टर सिन्हा हमारे साथ प्रभात डॉक्टर प्रभात सिन्हा हमारे साथ यूएसए से जुड़े हुए हैं। जब ये पिछली बार हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे तब भी इन्होंने कहा था कि गर्म पानी इज वेरी गुड, और बार बार गर्म पानी से गरारे या फिर पानी गर्म पानी का सेवन ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए गर्म पानी जो है वो बहुत ही अच्छा है, और हर व्यक्ति को दिन में 3 बार कम से कम हम कहते हैं कि चाय जैसा गर्म पानी सिप सिप करके जिस तरह से आप चाय पीते हैं उसका इस्तेमाल करें, और आप गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल करके, देखिए आप गरारे तो कर ही रहे हैं, अगर आप उसमें दो चीज डाल लेते हैं, आप सब जानते हैं कि नमक भी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है और बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है, वायरस को मारने की क्षमता रखता है, और हल्दी भी अपने आप में एक प्रूवन एंटीसेप्टिक है, तो हल्दी और नमक दोनों चीज चुटकी चुटकी भर डाल करके एक पिंच डाल करके गर्म पानी में आप गरारे करेंगे तो उससे भी काफी कुछ संभव है कि आपके मुंह की क्लीनिंग होगी। और अगर देखिए फिर मैं कह रहा हूं, आज कोरोना वायरस एक नए तरह का वायरस है, हम जब आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं कि ये वायरस को मारता है कि नहीं मारता, लेकिन एक बहुत कुछ संभावनाएं हैं कि ये जैसे कि हम कहते हैं कि फ्लू की तरह का वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस है, तो एक अच्छी खासी संभावना बनती है कि अगर हम हल्दी नमक के पानी के गरारे करेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ वी आर कैरिंग दिस वायरस इन आवर माउथ, तो वो वहीं पे ही न्यूट्रलाइज हो सकता है, और
और नुकसान कुछ नहीं है। एटलीस्ट इस समय अगर आपको फ्लू होता है या साइनस है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, गला खराब है, तो आपकी इम्यूनिटी कम रहती है, इम्यूनिटी कम है तो आपकी फाइटिंग एक तरह से कैपेसिटी कम है। तो हल्दी नमक के पानी के गरारे करने से फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। इसी तरह से हल्दी और नमक पानी में डाल करके भाप लेने के लिए भी हम रिकमेंड कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और एक प्रूवन फैक्ट है कि वो पेशेंट जो इन जनरल जिसके लंग्स बहुत वीक हो चुके हैं, अगर किसी तरह से सेंधा नमक की भाप जो है वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचे, उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में जाए, तो काफी कुछ देखा गया है कि उसके लंग्स में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत प्रूवन चीजें हैं, इनको केवल एक ट्रायल चीजें ना मानी जाए और बहुत ही गंभीरता के साथ इनको जो है किया जाए, क्योंकि कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, गर्म पानी भी पीने से लाभ होगा। ठीक है, हमारे साथ डिबेट में डॉक्टर अजय गुप्ता IMS से जुड़ गए हैं और डॉक्टर ब्रिज साइंटिस्ट हैं, चीन में हैं इस वक्त और हरियाणा के नरवाना से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, पहले आपसे सवाल लेना चाहता हूं कि हमारे साथ डॉक्टर प्रभात सिन्हा भी USA से जुड़े हुए हैं और हम एक चर्चा इन कॉमन जो करते रहे हैं कि गर्म पानी का सेवन कितना फायदेमंद, इंडिया में हम क्या मान के चल रहे हैं? जी देखिए, हम कहते हैं कि जी सुबह उठ के आपको दंत मंजन करना चाहिए, सुबह आपको गर्म पानी के गार्गल्स करने चाहिए, गरारे करने चाहिए हल्का सा नमक डाल के। देखिए ये जो चीज है, ये अगर आप, मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली दिस इज, ये हमारा अगर आपको हाइजीन मेंटेन करना है, ये सिर्फ हाइजीन मेंटेन करने के लिए, आपका गला साफ रहता है, अच्छा रहता है, इसका कोरोना वायरस पे कोई असर है कि नहीं है, इसकी कोई अभी स्टडी का कोई रिजल्ट्स नहीं आया है, कोई पुष्टि नहीं हुई है, WHO ने इसका कोई लिटरेचर अभी पब्लिश नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ है, US में डॉक्टर सिन्हा बता सकते हैं इसका कोई रोल है कि नहीं है, कोई स्टडी आई है। अदरवाइज आप वॉर्म स्लाइड गार्गल्स करते हो, डेफिनेटली वो आपकी वेस्कुलरिटी है वो बढ़ा देता है, गले की, गला साफ करता है। इसके अलावा कोरोना वायरस पे क्या रोल है अब तक कोई लिटरेचर नहीं है, ठीक है, पूछ लेते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और कितना वो कोरोना को रोक। जी ठीक है डॉक्टर सिन्हा, हमने पिछली बार भी जब बात की थी तो हमने चर्चा किया था गर्म पानी का, आपने कहा गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी से गरारे करिए, US में क्या मान के चल रहा है, इसका कितना असर है कोरोना वायरस पर स्पेसिफिकली अगर बात करें? कि US में तो कोई गर्म पानी पीता ही नहीं है, यहाँ तो सारे आइस वाले पानी पीते हैं यहाँ के पूरे अमेरिकन, तो उसका कोई स्टडी है नहीं इसमें। वायरस बेसिकली क्या है कि वायरस प्रोटीन है और उसके ऊपर एक फैट का लेयर रहता है, तो जो एजम्पशन खाली ये है कि अगर गर्म पानी डाल दोगे वायरस पर, जैसे हाथ धोने के समय साबुन डाल दोगे तो उसका फैट लेयर जो आउटसाइड का लेयर है वो डिजॉल्व हो जाएगा और वायरस मर जाएगा। सो ये खाली एक इन विट्रो स्टडी, मतलब बाहर में है, बट अंदर आदमी के अंदर क्या करता है इसका कोई स्टडी नहीं। ठीक है, तो क्या अमेरिका में इसको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें? नहीं नहीं, कोई सजेशन कोई गवर्नमेंट से नहीं है, ये बस लोकल लेवल में है कि कुछ लोग अपना बात मान रहे हैं, बट इसको टीवी में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है उसके बारे में, कोई टीवी मतलब कि लोकल कहीं भी नेशनल वाइड जैसे प्रेसिडेंट चाहे कोई भी इसके बारे में इंडोर्स कोई नहीं कर रहे। ठीक है, लाइक इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है, इसका जस्ट अपना अपना विचार है लोगों का, वायरस है तो अगर गर्म डालेंगे तो मर जाएगा, बट अमेरिकन पॉपुलेशन वो लोग गर्म पानी में कोई गर्म पीता ही नहीं, लोग आइस वाटर इस तरह के पानी। ठीक है, आऊंगा डॉक्टर अरोड़ा, उससे पहले जरा चीन में भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर ब्रिज, क्या वहां ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करिए? आपकी आवाज, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, रोक रहा हूं आपको, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं, टीम से गुजारिश करूंगा कि आपकी आवाज थोड़ी ठीक हो जाए फिर हम आपको फिर से कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, क्या होता है कि
गर्म पानी का दो तरह के फायदे हो सकते हैं। एक डायरेक्ट फायदा, जैसे डॉक्टर अजय गुप्ता ने बोला कि हाइजीन मेंटेन होती है, तो डेफिनेटली ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है। और नंबर दो पे इनडायरेक्ट फायदा, इनडायरेक्ट फायदा क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्यूनिटी, द कंसेप्ट ऑफ रेजुविनेशन या रसायना जिसे आयुर्वेद में बोला जाता है, एंड यहां पे भी मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी है ये बेसिकली हमारा शुरू में जो है ये आयुर्वेदिक लिटरेचर में डिस्क्राइब्ड है। और वहां पर जो गर्म चीजें होती हैं, जैसे गर्म पानी सबसे सिंपलेस्ट चीज हो गया गर्म पानी, वो आपकी इम्यूनिटी को, बेसिक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जबकि ठंडी चीजें जो है आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं। सो एक प्रिंसिपल है ये, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो हमारी अग्नि होती है शरीर की, जठराग्नि, ये किसी भी चीज को जो हमारे शरीर में गलत पहुंच जाती है अल्टीमेटली काउंटर करती है हमारी अग्नि, और ये अग्नि जो है वो गर्म पानी से बढ़ती है और ठंडे पानी से बुझती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम किसी आदमी की बेसिक इम्यूनिटी की भी बात कर रहे हैं, तो गर्म पानी अदर वे, अगर डायरेक्ट वायरस को नहीं मार रहा तो इम्यूनिटी को बढ़ा करके हमारी वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है। चीन, डॉक्टर ब्रिज, चीन में क्या गर्म पानी के लिए सजेस्ट किया जा रहा है? चीन में तो लोग नॉर्मली ही गर्म पानी पीते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति ठंडा पानी नहीं पीता। यहाँ पानी उबाल के उसे जो टेम्परेचर है 60-70 डिग्री के बीच मेंटेन करके वही पानी पीता है यहाँ पर लोग शुरुआत से ही तभी। और यहाँ पर इस दौरान कुछ सूप्स भी ये लोग पी रहे हैं जो इनके ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उनका सहारा ले रहे हैं। और जो कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट है गर्म पानी का, ये माना गया कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है कोरोना वायरस को। मैं ये नहीं कहता कि वायरस को ये किल करता है, इसको वायरस को खत्म करता है, परंतु ये टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे कोरोना वायरस की ग्रोथ है वो डिफरेंट मेजर की गई है। तो हॉट वाटर उसको कोरोना को कहीं ना कहीं इनहिबिट करता है उसको आगे प्रोसेसिंग होने में। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता, जो हमने डॉक्टर सिन्हा से सुना कि प्रोटीन है और उसके ऊपर फैट की लेयर है, क्या इंडिया में भी हमारे हम जो स्टडीज हैं वो यही कहते हैं कि कुछ इसी तरह का वायरस है? बिल्कुल, देखिए वायरस की कॉम्पोजिशन तो बिल्कुल सेम रहती है, ये बुक्स के अंदर लिटरेचर में रहता है सारा का सारा। ये तो जो वायरस तो चेंज नहीं होता है, जो हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर जो उसका मेकअप होता है, डीएनए मेकअप होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसका साइज होता है, जो उसका वेट होता है, वो बिल्कुल सेम रहता है। तो जहां तक है कि वायरस के बारे में जब स्टडीज करते हैं, उस स्टडीज कोई भी स्टडी जब पब्लिश होती है तो उसके पीछे एक सफिशियंट डेटा होता है, और वो डेटा जब होता है तो एक इंडिया जर्नल में पब्लिश होता है उसको। अगर इंडिया में कोई स्टडी लेटेस्ट आएगी डेफिनेटली वो आईसीएमआर के थ्रू जाएगी, आईसीएमआर उसको चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, तभी वो पब्लिश होती है। अदरवाइज जो लिटरेचर है, जो बेस्ट लिटरेचर है, वो सब, चाहे वो यूएस है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूरोप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, वो सेम रहेगा सबका। ठीक है, अभी डॉक्टर सिन्हा शुरुआत में कह रहे थे डॉक्टर गुप्ता कि वहां एंटीबॉडीज टेस्ट इन्होंने तेज की है, और जो लोग एक बार एक्सपोज होकर ठीक हो गए उनको ये फ्रंटलाइन पर काम करने के लिए भेजने की सोची जा रही है बात वहां, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। क्या ये इंडिया में भी हो सकता है? जी गौरव जी, बिल्कुल। मैं आज सुबह जो आपका प्रोग्राम था उसमें भी मैंने इसको इस चीज का जिक्र किया था। आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ब्लड बहुत सारी चीजों से बना होता है, उनमें से एक कॉम्पोनेंट है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा थेरेपी का जो आविष्कार है, जो वो तो 100 साल पुराना है, बहुत सारी चीजों के लिए हमने प्लाज्मा थेरेपी पहले से यूज कर चुके हैं। इससे पहले सार्स आया था, इबोला आया था, उसमें भी हम प्लाज्मा थेरेपी यूज कर चुके हैं। तो उसी से ये सोच में आया है कि क्या हम प्लाज्मा थेरेपी यूज कर सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान में सबसे पहले केरला ने चालू किया। अभी ये, अब आपको मैं कल का केस बताता हूँ, दिल्ली का मैक्स हॉस्पिटल का डॉक्टर का एक बता रहे थे, एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट एडमिट था मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, और वो वेंटिलेटर पे था, ही वॉज वेरी सिक, और डॉक्टर्स ने कहा कि इनको हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। और तो एक COVID-19 का पेशेंट जो कि ठीक हो गया था, उसको कन्विंस किया, उसने वॉलंटरी डोनेशन के लिए कबूलनामा स्वीकार किया, उसने अपना प्लाज्मा दिया, और वो प्लाज्मा जो कि मैक्स हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत सिक था वेंटिलेटर पे, उसे चढ़ाया गया, उसको ट्रांसफ्यूज किया गया, और आप मानेंगे नहीं उसमें रैपिड इंप्रूवमेंट आया है। डॉक्टर के हिसाब से वो 50% इंप्रूवमेंट आया है, और मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ
लास्ट 1 to 3 days वो वेंटिलेटर से ऑफ भी हो सकता है. तो इतना ड्रामेटिकल चेंज आया है डेफिनेटली. ठीक है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी अगर आप यूज करोगे ये सिर्फ क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं COVID-19 के उसके लिए अभी बनाई गई है. ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी से अलग मैं एंटीबॉडीज टेस्ट की बात कर रहा था कि एंटीबॉडीज अगर किसी में डेवलप हो गई तो क्या वो काम पर जा सकता है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है तो क्या वो काम पर जा सकता है इस बात से बेखौफ होकर थोड़े अगर मास्क पहन ले बाकी चीजों का थोड़ा बहुत ख्याल रखे कि वो अगर एक्सपोज भी होता है तो उसको फिर से नहीं होगा. गौरव जी, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वो री एक्सपोज होगा ही नहीं होगा. मैं आपके चैनल पे के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमको किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए. इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि एक बार अगर उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो उसको री इंफेक्शन हो नहीं सकता है. ऐसे केसेस साउथ कोरिया और चाइना में आए हैं, उस वो अभी अंडर स्टडी है कि री इंफेक्शन कैसे हुआ है, क्योंकि ये जो वायरस है कोरोना वायरस ये म्यूटेट कर रहा है. म्यूटेट जब करता है तो री इंफेक्शन भी हो सकती है डेफिनेटली. अभी हमारा प्रोटोकॉल क्या है हिंदुस्तान के अंदर, अगर पेशेंट एडमिट है COVID-19 का उसके 2 बार टेस्ट करेंगे, दूसरी बार दोनों बार अगर वो नेगेटिव आता है तभी वो डिस्चार्ज होता है, तभी वो नॉर्मल एक्टिविटीज अपनी कर सकता है. ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको री इंफेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है. ठीक है डॉक्टर सिन्हा, क्या वहां भी ठीक है, अभी ऐसी कोई स्टडी आई नहीं है जिसमें ये आप प्रूव कर पाए कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई कोरोना की तो दोबारा एक्सपोज होगा वो इंसान तो उसको नहीं होगा कोरोना, फिर भी क्या आप लोग ये चांस ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, उस दिशा में सोच रही है सरकार आपकी? हाँ, जो सरकार सोच रही है उस दिशा में, अभी 1 महीना से सारा चीज बंद है, बट कल प्रेसिडेंट का आया है कि हम लोग स्लोली इन 3 स्टेप में कंट्री को स्लोली ओपन करेंगे. और इसमें जिन लोगों को कोरोना हो गया है इट्स जस्ट अ ट्रायल कि टू सी कि वो लोग काम पर जाने से वो लोग को फिर से होता है कि नहीं होता है. बट द होल थिंग इज इन डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग द कंट्री नाउ, क्योंकि जब और कितना दिन तक कर सकता है. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है. चाइना में भी क्या इस तरह की कोई सोच है डॉक्टर ब्रिज? चाइना में देखिए, जो इस तरह की अगर हम करते हैं थेरेपी के बारे में तो वो लोग ऐसा पहले से कर रहे हैं, परंतु ज्यादातर लोग है जो स्पेशल सूट्स है ट्रेडिशनल मेडिसिन से उनका भी सहारा ले रहे हैं. और एक खबर है ग्वांगडोंग से, कल ही 39 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए यहाँ पर, और यहाँ पर केसेस बढ़ने की ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रोपोसिबिलिटी ज्यादा हो गई है ग्वांगडोंग में. नहीं तो क्या चीन में ये थ्योरी मान रहे हैं लोग कि जिसको एक बार कोरोना हो गया वो बाहर जा सकता है, उसको कोरोना नहीं होगा, क्या इस बारे में सोच है चीन की? नहीं है, ऐसी कोई स्टडी सामने नहीं आई कि दोबारा से कोरोना नहीं होगा. और हम इस बारे में डेफिनेटली नहीं कह सकते कि जो एक बार इन्फेक्टेड हो चुका है उसे दोबारा कोरोना नहीं होगा, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले हुआ है तो दोबारा नहीं होगा. और चाइना के जो लोग है वो ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मान रहे कि दोबारा नहीं हो सकता. उनकी लगातार ऑब्जर्वेशन भी चलती है जो पहले इन्फेक्टेड रहे हैं, तो सेम थ्योरी यही शायद वर्ल्ड वाइड यही सेम थ्योरी है कि दोबारा हो सकता है नहीं हो सकता, अभी इसके बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल होगा. ठीक है, ये बहुत मुश्किल होगा. डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सिन्हा ने एक दवाई की का नाम बताया है रेमडेसिविर, और ये कह रहे हैं कि 6 से 7 दिन में इससे कोरोना वाले लोग ठीक हो रहे हैं. अमेरिका में इस दवाई का इस्तेमाल हो रहा है और इससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या इंडिया में भी हम ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, जब ये कोरोना वायरस जब नया नया हिंदुस्तान में आया था तो जब इसका संक्रमण चालू हुआ था डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट स्टेट्स में जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले भी सार्स को ट्रीट किया था, इबोला को ट्रीट किया था, नीपा को ट्रीट किया था. अब देखिए कोई डेफिनेट इसमें कोई डेफिनेट ड्रग तो है नहीं है. इसमें पहले हमने कहा था कि जयपुर में या राजस्थान में एक COVID-19 के पेशेंट को ट्रीट किया था, उन्होंने HIV जो HIV के लिए ड्रग्स होती हैं उनका कॉकटेल मिक्स करके उन्होंने 2-3 वायरल एंटीवायरल का और जो फ्लू में यूज होती है उन सबका मिक्स करके जो COVID-19 के पेशेंट को दिया था और उसने रिस्पॉन्स किया था.
तो ये अमेरिका का जो डॉक्टर सिन्हा ने बताया है, हो सकता है ये उनका अच्छा एक एक्सपीरियंस है, इंडिया का भी एक्सपीरियंस है कॉकटेल एंटीवायरल ड्रग्स का मिक्स करके एंटी एचआईवी और ये जो H1N1 के अगेंस्ट में देते हैं, जो एंटीवायरल देते हैं और ओसेटामिविर वगैरह जो देते हैं, तो ये डिफरेंट कंट्रीज का अपना एक्सपीरियंस है. लेकिन अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट एक पेपर नहीं आया है हमारे सामने किसी भी रेप्यूटेड जर्नल से कि कौन सी एक एंटीवायरल ड्रग है या कॉकटेल है एंटीवायरल ड्रग्स का जो कि डेफिनेटली प्रूवन है इफेक्टिव अगेंस्ट COVID-19. तो ये सब देखिए ट्रायल्स है. अब ठीक हो रहे हैं पेशेंट तो अच्छी बात है, लेकिन डेफिनेटली जब हम एक ग्रुप ऑफ स्टडी COVID-19 की, जैसे 100 पेशेंट को अगर हमने ट्रीट किया है, अगर हमने एचआईवी के ड्रग्स यूज किए हैं कॉकटेल मिक्सन करके और 100 पेशेंट के हमने इस्तेमाल किए हैं और हमने देखा है 100 में से 90 पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, तो वो एक स्टडी बनती है उसके ऊपर जो पब्लिश कर पाएंगे. ठीक है, अगर वो नहीं होता तो तब तक तो सारा का सारा ट्रायल एंड एरर मेथड है. ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, मैं एक बार फिर से इस डिबेट को आयुर्वेद वेद की तरफ लेके जाना चाहता हूँ. हमने गर्म पानी का जिक्र कर लिया. काढ़ा एक बहुत इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए या आपको बेहतर रखने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को काढ़ा बहुत इस समय गर्म. मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. देखिए दो अलग अलग चीजें हैं. पहली बात क्या हो रही है कि बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारत देश में जहां पे हमारे पास एक पूरा विज्ञान आयुर्वेद के रूप में है उसको पूर्णता के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उसको खुले दिमाग के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द पॉजिटिविटी ऑफ आयुर्वेद जो आज इस सिचुएशन को डील कर सके. कारण यह है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ, जैसे काढ़ा है, काढ़े में हमने डाला है सौंठ, डाला है काली मिर्च, डाली है पिपली, डाली है तुलसी, डाला है हमने गिलोय, डाला है साथ में हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुलैठी हमने डाली है, लौंग, इलायची, दालचीनी. ये जो दवाएं हैं ये बेसिकली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नहीं होती. आज अनफॉर्चुनेटली बस ये कहा जा रहा है कि इतना बोल दीजिए कि ये काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ जाती है. नहीं, ये फ्लू नाशक काढ़ा है और काफी कुछ संभावना है कि जैसे गर्म पानी से हम एक तरह से उस वायरस को एक तरह से इंजरी करने की बात कर रहे हैं, तो गर्म पानी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है ये गर्म मसालों से बना हुआ काढ़ा, जो अगर वायरस इससे एक्सपोज होता है तो काफी कुछ चांसेस हैं कि वो अपने प्राइमरी स्टेज में ही, चाहे मुंह में है चाहे वो गले में है, जब ये काढ़ा जाता है तो उसको वहीं पे ये किल कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं है ये काढ़ा, ये बेसिकली फ्लू का ट्रीटमेंट है. लेकिन क्योंकि अब वही वाली बात है कि इस समय कहीं ना कहीं आयुर्वेद को पीछे धकेल दिया गया, सेकेंड लाइन बना दिया गया. हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी कह दीजिए लेकिन ये मत कहिए ये चिकित्सा है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चिकित्सा है, एसाइक्लोविर का आपने नाम लिया एंटीवायरल का, वो ट्रायल किया जा सकता है. लेकिन काढ़ा जो है, अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक अलग मेडिसिन है, एक अलग सिस्टम है. वो इम्यूनिटी बढ़ती है हमारे अच्छे खान पान से, हमारी अच्छी जीवन शैली से, हमारे सद्व्रत तो से. इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर पूरी दुनिया इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, स्टडीज कर रही है वायरस पर, तो आयुर्वेद के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं? मैं गौरव, एक बात आज आपने इतना रेलिवेंट क्वेश्चन गौरव उठाया है, मैं ये बात पूरे विश्व से पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि ये फ्लू का वायरस है, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, और हमारे यहाँ एंटीवायरल के रूप में सुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, पंचतिक्त घनवटी, ये वो औषधियां हैं जो हम एक तरह से किसी भी तरह का वायरल इंफेक्शन जब हमारे पास आता है तो हम ये मेडिसिन यूज करते हैं. तो अगर आपके पास पेशेंट्स हैं और आपके पास कोई दवा नहीं है, मैं कहता हूं कुछ एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ही लेकर के अगर उनको मां सुदर्शन घनवटी या नारदीय लक्ष्मी विलास या त्रिभुवन कीर्ति रस उनको दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई हानि है. आप देखिए, क्या पता यू विल गेट मच मच बेटर रिकवरी देन जो हम अंग्रेजी मेडिसिन दे रहे हैं. क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, एंटीवायरल है. नीम जो होता है, नीम, अब आप नीम जान लीजिए, नीम को ना हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, ना हम एंटीवायरल बोलते हैं, ना हम एंटी प्रोटोजोल बोलते हैं, हम एंटीमाइक्रोब बोलते हैं. क्योंकि नीम की क्षमता है कि 200 से अधिक जो है माइक्रोब को मार सकता है. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. जहां पर क्यूनीन काम नहीं करती, आपके एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन काम नहीं करती, वहां पे हम नीम खिला करके नीम घनवटी और लोगों का मलेरिया उतारते हैं. इससे भी बढ़ के एक संख्या हमारे यहां दवा है, आर्सेनिक के योग होते हैं. आर्सेनिक किसी भी तरह के शरीर में विषाणु, जीवाणु, कीटाणु को मारने में सक्षम है. तो हमारे पास गौरव इस तरह की औषधियां हैं, लेकिन हमें काढ़े से आगे, हमें गौरव बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमें काढ़े से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा.
कि काढ़ा तक कौन रोक रहा है? अरे भाई एक्सपेरिमेंट अगर पूरी दुनिया में एक बहुत ये बताइए, मैं एक सवाल पूछ लूं उसके बाद आप पूरा करिएगा कि जब पूरी दुनिया में हर देश अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो ये हिंदुस्तान को कौन रोक रहा है कि हमारा हजारों लाखों सालों पुराना ये जो स्टडी है, ये जो हमारे साइंस जिसको हम कहते हैं और हम वेद में हमारे हैं, गौरव तो आज जो मेडिकल सिस्टम है ये पूरी तरह से सो कॉल्ड एलोपैथी लॉबी की चपेट में है। वो हमें कहीं पे भी रोक देते हैं, सबूत मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं और अपने लिटरेचर को सही बोलते हैं और हमारे एक वैज्ञानिक लिटरेचर को जो हर तरह से तथ्यों के साथ लिखा गया है उसे जो है पिछड़ा कह करके और शोध रहित कह करके हमें रोक दिया जाता है। तो शोध से कौन रोक रहा है? शोध क्यों नहीं हो सकता इससे? आज ये बताइए आप गौरव, आप एक टीवी चैनल में बैठे हैं, आप अगर जो है जो पेशेंट्स कोरोना के एडमिट हैं उनको क्यों नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रायल दी जा सकती? आज हमें निर्देश है कि अगर खांसी जुकाम का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो इमीडिएटली उसको आपको सामान्य अस्पताल में भेजना है, अपने क्लिनिक पर ट्रीट भी नहीं करना है। तो देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं, आयुष मंत्रालय जानता है, अब उनकी क्या बाध्यताएं हैं वो जाने, लेकिन मैं ये जानता हूं यदि आयुर्वेद को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए कहा जाएगा तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में जनपद ध्वंस में जितना डिटेल्ड स्टडी और जितना डिटेल्ड मेडिकेशन आयुर्वेद के पास है आज मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। इसमें मैं एक चीज और आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर सिन्हा से कमेंट लेके फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, कि अगर डायरेक्ट पेशेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं आयुर्वेद को ट्रीट करने के लिए तो क्या उस वायरस पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है? अरे जब हम गौरव ये मान के चल रहे हैं कि आज हमारे पास कोई भी इस तरह की मेडिसिन नहीं है जो सीधे सीधे कोविड 19 को मारने के लिए प्रूव हो, मैं इस चीज में तारीफ करता हूं मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न साइंस भी ये मान के चल रही है कि हमारे पास दवा नहीं है, तो आप ऐसे में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल्स हैं जो आयुर्वेद की मेडिसिन हैं आप एक ग्रुप कम से कम क्रिटिकली इल पेशेंट जो हैं 10 पेशेंट को आप आयुर्वेदिक मेडिसिन दे के देख लीजिए, लेकिन पूरे इंडिया में कहीं ये काम नहीं हो रहा है कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स को भी 10 पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन देख के एक स्टडी तो सामने लाई जाए, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है डॉक्टर सिन्हा आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं लेकिन क्या आपके मन में ये बात आती है जो डॉक्टर अरोड़ा बहुत जोर देके कह रहे हैं कि हमारा आयुर्वेदिक साइंस बहुत मजबूत रहा है, बहुत पुराना है, हमारे पास वेदों में उसकी उसका जिक्र है, क्या एक्सपेरिमेंट में उसको भी जगह मिलनी नहीं चाहिए? हाँ मिलनी तो चाहिए बट उनको मेडिसिन डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा अब हमारे पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं, तो उनको इंट्रावीनस मेडिसिन सब डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे गिलेड साइज ने मेडिसिन डेवलप की रेमडेसिविर, इंट्रावीनस मेडिसिन है, एस्टराइल मेडिसिन है। अब नीम का आप काढ़ा तो आईवी किसी को नहीं दे सकते ना, वो आदमी मर जाएगा राइट टू वीक, तो इनको इस मेडिसिन डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ इन विट्रो स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे क्लोरोक्विन का है, आइवरमेक्टिन का है, पहले आप इन विट्रो स्टडी कीजिए कि वो मेडिसिन नीम का पत्ता जो भी बता रहे हैं वो सब वायरस को मारता है कि नहीं बाहर में। अगर कोरोना वायरस को इन विट्रो स्टडी मान लीजिए 3 दिन में वो नीम का पत्ता मान लीजिए 99% खत्म कर देता है, तब जाकर आप इन विट्रो मतलब आदमी के अंदर में वो चीज को देकर देखिए कि मरता है कि नहीं मरता है। मगर खाली ऐसे खाने से नहीं ना होता है कि हाँ ये इतना साल से आ रहा है। आई थिंक अच्छा चीज है आयुर्वेद में, बट थोड़ा सा और पैसा खर्च करके इन्वेस्टर इन विट्रो में 3 दिन में 50% वायरस लोड को कम कर देता है, हाइपरटेक्टिन भी कम कर देता है और अभी रेमडेसिविर भी कम कर देता है। सब अभी इन विट्रो स्टडी, उसके बाद आप इन वाइवो स्टडी आदमी को देख लीजिए। तो स्टडी का वैसे ही डिजाइन होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइन स्टडी पर कीजिएगा एंड कीजिएगा तो द होल वर्ल्ड विल टेक दैट थिंग एज। बट इन लोग का है कि इन लोग स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, एक एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में ये जो खाई है, ये जो ऐसे स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लगता है कि ये वक्त है जब हिंदुस्तान में आयुर्वेद को वो तवज्जो दी जानी चाहिए? और ठीक है अगर आप पेशेंट नहीं दे सकते हैं तो कम से कम वायरस पर जहां एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वहां आयुर्वेद को भी जगह मिलनी चाहिए कि वो भी
उनके जो प्रूवन थ्योरीज हैं और उनकी जो प्रूवन दवाई जो वो मानते हैं उनको उस वायरस पर एटलीस्ट वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकें। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैं कुछ हद तक डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है ये साझा मिलकर ही लड़ी जा सकती है। तो डेफिनेटली अगर कुछ चीजें ऐसी हैं आयुर्वेद के अंदर जिसका इस्तेमाल करके हो सकता है अगर हमको फायदा हो, तो डेफिनेटली जो पेशेंट्स हैं जो अर्ली स्टेज में एटलीस्ट जो पेशेंट हैं उनको हम दे सकते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर सिन्हा ने बहुत एक बहुत ही अच्छी बात की है कि अगर कोई पेशेंट बहुत सिक है, बहुत ज्यादा वो सीरियस है या वो वेंटिलेटर पे है, तो उसमें तो सिर्फ आईवी मेडिसिन चलेंगी, इंट्रावीनस। तो इंट्रावीनस तो आयुर्वेद में नहीं है, उनको हम ओरली दे सकते हैं जो भी है। लेकिन ठीक है, अगर अर्ली स्टेज के अंदर कोई पेशेंट है जिसको चार पांच छह दिन के सिम्टम्स हैं और डेफिनेटली वो वेंटिलेटर पे नहीं गया है, तो एक कंबाइंड एक मे भी आईसीएमआर या हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो सोच सकते हैं आयुर्वेदिक स्कॉलर्स को एक ज्वाइंट मीटिंग करके कि अगर कुछ नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ डॉक्टर गुप्ता, मैं वो ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये एक्सपेरिमेंट्स, डॉक्टर अरोड़ा आपसे भी है, क्या ये एक्सपेरिमेंट्स किसी पेशेंट पर ही हो सकता है या वायरस पर अलग से एक्सपेरिमेंट हो सकता है? अगर लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो क्या ये वायरस पर भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये पेशेंट पे ही हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स बेस्ड होते हैं, वो एविडेंस बेस्ड होते हैं। कोई भी ट्रायल होता है वो ऐसे नहीं होता है, आपको पेशेंट पे ही। अब जो वैक्सीन है, अगर आप वैक्सीन भी डेवलप करेंगे तो वो ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर जाएगी। नहीं सर, वैक्सीन जब डेवलप करते हैं तो पहले हम बहुत स्मॉल लेवल पे करते हैं, उसके बाद उनमें हम कई बार हम देखते हैं रैट्स में या कुछ और जानवर जो होते हैं, जानवर जो होते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ह्यूमन पे आते हैं। तो वो जो अर्ली स्टेज है, शुरुआत है, वो इनिशिएटिव भी क्या नहीं ले पा रहे हैं हम हिंदुस्तान में? क्या आयुर्वेद को एटलीस्ट वो इनिशिएट करने की इजाजत हम दें? डायरेक्ट ह्यूमन पे ट्रायल करने की बात तो बहुत दूर है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर परमेश्वर हैं आयुर्वेदिक स्कॉलर हैं, वैसे ही हो सकता है हमको ऐसे जो बुद्धिजीव है आयुर्वेद के अंदर उनकी बहुत जरूरत है पूरे देश के अंदर। ये नहीं कि सिर्फ हमको गुड़गांव हरियाणा में है, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको रियल आयुर्वेद की नॉलेज है, डॉक्टर परमेश्वर बता पाएंगे कि हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो MD आयुर्वेद है और जो आयुर्वेदिक स्कॉलर है जो इतनी डीप इन डेप्थ नॉलेज है जैसे डॉक्टर परमेश्वर को है। मैं इनकी तारीफ करता हूँ इस चीज के अंदर। तो अगर है तो डेफिनेटली इनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आयुष मंत्रालय है वो देखिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हिंड्रेंस नहीं है, गवर्नमेंट इनके बीच में नहीं आ रही है इस चीज के। गवर्नमेंट ने तो आयुष को थोड़ा बढ़ावा भी दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर परमेश्वर और उनके साथी जितने भी आयुर्वेदिक स्कॉलर हैं वो उनको ये आवाज उठानी चाहिए डेफिनेटली। और मैं ये नहीं कह रहा कि खाली आयुर्वेद या खाली एलोपैथ, अब जिसने एलोपैथ में जहाँ इलाज नहीं है, मुमकिन नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आयुर्वेद में ट्रायल किया जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, आप लोगों की कोई यूनियन तो होती होगी ना? जैसे हम देखते हैं, हम तो देखते हैं हर चीज जो लोग काम करते हैं उनकी यूनियंस होती है, रिक्शे ठेले वाले से लेकर IAS ऑफिसर्स तक की यूनियंस होती है। तो आप लोग क्या मंत्रालय से ये कह नहीं सकते हैं कि हमें भी एक्सपेरिमेंट करने का मौका दीजिए, हमें भी स्टडी का मौका दीजिए, क्योंकि ये ऐसा वायरस है इसको कोई नहीं जानता, सब लोग हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर अजय गुप्ता जी का मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और इनको बताना भी चाहता हूँ, इन्होंने हमारी दुखती रग पे जो है हाथ रखा है। क्योंकि आयुर्वेद की जो बेसिकली जहां पे शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उसी लेवल से गड़बड़ी हो रही है। वो लड़के जो आयुर्वेद के स्कॉलर बन के निकल रहे हैं उनका जो शिक्षा का करिकुलम है वो इस तरह का है कि वो यहां आकर के मार्केट में 100 में से केवल दो लोग, दो भी मैं अधिक बता रहा हूं गौरव, एक आदमी जो है प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में सक्षम है। मैं सक्षम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनको उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही कॉलेजेज में, कि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जा रहा कि वो बाहर जाकर के आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करें। तो जब 99 लोग जो है आयुर्वेद के स्कॉलर जो BMS की डिग्री, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी की डिग्री लेकर के आकर के एलोपैथिक लिख करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो फिर आप बताइए कैसे यूनियन बनेगी? वो एक मेरे जैसा व्यक्ति ये कहता है कि सरकार को रोक लगा देनी चाहिए कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इंग्लिश मेडिसिन ना लिखे। 99 लोग ये बोलते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को ये अलाउ होना चाहिए कि वो एलोपैथिक भी लिखे। तो यूनियन तो है लेकिन यूनियन इस बात की है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को अंग्रेजी भी लिखने दी जाए।
और मेरे जैसे लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो यहां पे देखिए जिम्मेदारी जो है आयुष की है कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो रूट कोज है इस कंडीशन का, वो है हमारे कॉलेजेस। ठीक है, हमारा आयुर्वेद गौरव इतना बड़ा है कि अच्छे स्कॉलर अगर निकलेंगे उनमें कॉन्फिडेंस है कि बाहर जाके वो आयुर्वेद से कमा सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, प्रसिद्धि पा सकते हैं। चीन भी हमसे पीछे नहीं है, अगर हम मेडिसिन की बात करें, हर्ब्स की बात करें, तो चीन भी एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से इन चीजों को फॉलो किया है। डॉक्टर ब्रिज है हमारे साथ। डॉक्टर ब्रिज, क्या आपके यहाँ भी इनकरेज किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में बहुत स्टडीज नहीं है, बहुत दवाइयों के बारे में हम नहीं आते, क्या हर्ब्स को और पुराने इस तरह के मेडिसिन को क्या इनकरेज कर रहे हैं आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, जो अगर कोविड 19 से कोई इन्फेक्टेड केस है उसको जो प्राइमरी स्टेज पर है, ये लोग कुछ स्पेशल सूप्स दे रहे हैं उनके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। देखिए कोविड 19 का हम ये तो नहीं कह सकते कि बिना किसी अप्रूव के या रेप्यूटेड जर्नल के रिजल्ट के बिना कि ये उसको ट्रीट करेगा कंप्लीट। देख लिया डॉक्टर गुप्ता, बट कंप्लीटली अगर हम ये कहते हैं कि इस स्टेज पर अगर स्पेशल सूप्स दिए जाते हैं तो बेटर है। चाइना ऐसा कर रहा है, यहाँ के लोग स्पेशल सूप्स ले रहे हैं जो ठीक होकर आते हैं, वो भी स्पेशल सूप्स है जिनके ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उनका यूज कर रहे हैं वो स्पेशली, बट कॉन्सेप्ट वहीं पर आकर अटक जाता है। वो ट्रीटमेंट के लिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, वो उसको सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर लोगों से या यूज में हमने देखा या जो डॉक्टर्स हैं उनसे डिस्कस किया है, वो बोलते हैं कि इट विल इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम बट नॉट फॉर ट्रीटमेंट। ये यहाँ पर होता है। और आपको मैं चाइना की बात बताता हूँ। हाँ जी, जो ये लोग यहाँ पर लगातार अपने जो सूप्स पीना इनकी डेली लाइफ का रूटीन है, डिफरेंट टाइप की हर्ब्स यूज करते हैं, इवन दैट ये जो चाय पीते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हर्ब्स की चाय बनाती है पीते हैं, और जो ब्लैक टी हमारे यहाँ पी जाती है यहाँ पर बिल्कुल नहीं पीते, या ग्रीन टी जो अलग अलग पत्तों की, तुलसी के पत्तों की, चाहे वो इनके लोकल हर्ब्स हो उनके पत्तों की चाय हर रोज अपने डेली लाइफ में ठीक है यूज करते हैं। ठीक है, आपने वही बात कह दी जो जो दर्द डॉक्टर अरोड़ा का है। डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ कह रहे थे? जी देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर परमेश्वर ने बिल्कुल ही पॉइंट पकड़ लिया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मैं इसमें डॉक्टर परमेश्वर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर परमेश्वर ने कहा है कि वो आयुर्वेद को प्रैक्टिस ना करके एलोपैथी से, हमको परहेज नहीं है उस चीज से, लेकिन आपको जिस चीज की डिग्री मिली है आप उसको प्रैक्टिस करो, उसको बढ़ावा दो, उससे आप रिजल्ट दिखाओ और आप प्रूव करो कि आयुर्वेदिक में दम है। डॉक्टर परमेश्वर शायद आप मुझसे एग्री करेंगे 100% सर, 100%। ठीक है, ठीक है, अब आयुर्वेद वाला टॉपिक यहाँ छोड़ के थोड़ा सा मैं नॉन मेडिकल बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर सिन्हा, आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले आपको लगता है, देखिए एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया ऐसे लग रहा है जैसे ठहर सी गई है, लेकिन क्या इस वायरस की वजह से ये जो ठहराव आया इससे प्रकृति का फायदा, इससे इंसान जो एक रैट रेस में दौड़ रहा था उसने रिस्पेक्ट डेवलप की है अलग अलग सफाई कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए, क्या ये चेंज यूएस में भी आप फील कर पा रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम रहा है, जो कि यूएस में ज्यादा पोल्यूशन है नहीं, बट जो भी है मेजर सिटीज में वो बहुत कम रहा। और डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट तो बहुत है, मे भी थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, बट आई थिंक पूरे दुनिया में डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है। एंड और इससे बहुत लोग अपने दोस्तों के करीब आ गए हैं, क्योंकि सारे लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम गया है। सो इन वन वे इट इज गुड, बट इन लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होने वाला है। हम लोग का इकोनॉमी बहुत खराब है, हम लोग अभी रिसेशन में जाने वाले हैं और वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन, सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म इफेक्ट विल बी फाइनेंशियली विल बी वेरी बैड फॉर कंपनीज। बिल्कुल ठीक है, ये शायद यूएस के अगर ओपन अप प्रोस्पेक्ट में अगर हम समझे तो शायद नहीं हो। वायरस है तो वायरस तो ऐसे भी 98% लोग ऐसे भी ठीक हो जाएंगे। The only problem is like the problem with this virus is that 2% of our 2% of the
और बहुत जल्दी मर रहे थे, 5 दिन के अंदर में मर जा रहे हैं। हम लोग का एजुकेशन नहीं था ये वायरस के बारे में, इसलिए सर ये वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, वी जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू वर्क अराउंड दिस वायरस। एंड इवेंचुअली थोड़ा अभी तक ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। सो आई थिंक हम लोग जब ये डेटा पब्लिश करें कि 98% लोग ठीक हो गए, खाली 1-2% लोग ही मरे, सो देन वी कैन ओपन अप द कंट्री एंड जस्ट ट्रीट दोस 2% पीपल विद सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल एंड वो लोग भी बच जाएंगे। सो ओवरऑल आउटकम इज वेरी गुड एंड फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर दिस ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, मैं जो बात कर रहा था शायद यूएस के कॉन्टेक्स्ट में उतना नहीं हो, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमने वो वक्त भी देखा है जब किसी मरीज के परिजन, मरीज को कुछ हो जाए तो परिजन सिर पे वो आसमान उठा लेते हैं, डॉक्टर को पीटते तक है, अस्पतालों में तोड़फोड़ होती हमने देखा है, पुलिस वालों के देखते ही हमारे मुंह से क्या शब्द निकलता है आम लोगों को हम वो भी जानते हैं, तो क्या सफाई कर्मचारियों से कोई बात तक करना पसंद नहीं करता था, आज उनको फूल पहना रहे हैं, फूल उनके ऊपर बरसा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, उनका स्वागत करें, तो क्या इस कोरोना वायरस के अगर पॉजिटिव्स देखें तो उसमें एक ये भी है कि रिस्पेक्ट हमने डेवलप की है एक दूसरे के लिए। गौरव जी पहले ये बताइए आपका टाइम कितना है, अगर आपके पास 2 मिनट कॉल पे तो बहुत थोड़ा सा टाइम है, बहुत थोड़ा टाइम है, तो मैं पहले किस्सा सुनाया था क्योंकि ये चर्चा तो जारी रहेगी। गौरव जी आज एक किस्सा है, बहुत ही इससे हमको सीख मिलनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये है दिल्ली की लॉरेंस रोड का। दिल्ली की लॉरेंस रोड पे आज एक घर के सामने 300-500 रुपए के नोट पड़े थे। वो जो 300-500 के नोट जब आसपास जो चलते थे लोग उन्होंने देखे, तो उन्होंने देख रहे और वहां खड़े हो रहे हैं, कोई उसको टच नहीं कर रहा, कोई उसको उठाकर अपनी जेब में नहीं डाल रहा है, सिर्फ वो देख रहा है खाली। ठीक है, देखते देखते वहां पर 10 या 15 लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, आस पड़ोस में उन्होंने पूछा कि भाई ये पैसे किसके हैं, तो कोई किसी ने इसको क्लेम नहीं किया ना उठाया। अल्टीमेटली क्या हुआ, किसी एक सज्जन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई कोई ये जानबूझ के याद रख के तो नहीं गया है, क्योंकि वो मिट्टी में पड़े थे, मिट्टी में मिल गए थे थोड़े, क्योंकि धूल मिट्टी हो गई थी उसके ऊपर। पुलिस ने भी डायरेक्ट उन नोटों को उठाया नहीं, उनमें से एक ऑफिसर ने ग्लव्स पहने और उन नोटों को एनवेलप में डाल दिया, और थोड़ा उन्होंने भी तफ्तीश करी आजू बाजू से जो लोग थे उनसे पूछे कि भाई ये किसके नोट है, 300-500 के किसके गिर तो नहीं गए। अब जब उनको पता चला कि भाई ये किसी ने क्लेम नहीं किया, वहां पर 15 लोग थे, सब कह रहे थे हमारे नहीं, पुलिस वाले उस एनवेलप में डाल के 300-500 के नोट अपने पुलिस स्टेशन में ले गए। थोड़ी देर बाद एक लेडी वहां पर जाती है और वो क्लेम करती है कि ये चीज 300-500 के नोट ये मेरे, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ 300-500 के नोट थे और ये आप ले रहे हैं तो ये मेरे। अब पुलिस वालों ने कहा कि आप कहाँ रहती हैं, कहती जहाँ आपको ये नोट मिले वो घर के सामने मैं रहती हूँ। तो कहती अच्छा आपने कैसे ये नोट इसे, कैसे मैंने ATM से पैसे निकाले थे 10,000 रुपए। आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ डॉक्टर गुप्ता, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग समझ गए हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर सिन्हा आपका भी, डॉक्टर ब्रिज आपका भी, डॉक्टर अरोड़ा आपका और डॉक्टर गुप्ता आप सबका बहुत शुक्रिया। हालांकि इसमें हम चर्चा करने के लिए बहुत कुछ और है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए इस डिबेट को हम यहीं रोक रहे हैं इस चर्चा को। लेकिन लास्ट में जाते जाते फिर वही बात कि अब तक दवाई की खोज नहीं हुई है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप घर में रहें, खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं, देश अपने आप बच जाएगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।